यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ। औरंग नेशनल पार्क, आइए आज इसको समझते हैं। हाल ही में वन अधिकारियों द्वारा अवैध शिकार पर कार्रवाई करने के दौरान औरंग नेशनल पार्क के वोरखेर वन शिविर के पास एक गेंडे का शव बरामद किया गया है। वन विभाग की प्रारंभिक जाँच के अनुसार गेंडे की मौत का कारण आपसी लड़ाई या इसका वृद्ध होना हो सकता है। औरंग नेशनल पार्क भारत के असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। औरंग नेशनल पार्क वन सींग वाले ग्रेट इंडियन राइनो का ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वन सींग वाले गैंडों के अलावा यहाँ पिग्मी हॉग, हाथी, हॉग हिरण, जंगली सुअर आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ धनसिरी और पचनोई पार्क को दो हिस्सों में विभाजित करती हैं। औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोनों पार्कों में एक समान परिदृश्य है जिसमें दलदल, जलधाराएं और घास के मैदान इत्यादि शामिल हैं। इसे 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था जिसे बाद में अप्रैल 1999 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इसे वर्ष 2016 में देश का 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में प्रोजेक्ट राइनो और एंटी राइनो पोचिंग प्रोग्राम के तहत जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य में वर्ष 2022 के दौरान एक भी गेंडे का शिकार नहीं हुआ था। हालांकि कुछ गेंडे प्राकृतिक आपदा में जरूर मारे गए थे। लगभग 45 वर्षों में असम में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस राज्य में गेंडों का शिकार नहीं हुआ है।